हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे थ्री ब्लॉक प्रॉब्लम्स। फ्रिक्शन के अंदर ही जैसे हमने एक के ऊपर एक दो ब्लॉक रखकर और फिर क्वेश्चंस को डील करना सीखा था, उसी तरह से हम एक के ऊपर एक तीन ब्लॉक्स होंगे और उस तरह के क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सपोज हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पर इस तरह से तीन ब्लॉक्स रखे हुए, 4 kg, 6 kg, 2 kg, ठीक है। फ्रिक्शन कोफिशिएंट 2 और 6 के बीच में है 0.1, 6 और 4 के बीच में 0.3 और 4 और ग्राउंड के बीच में 0.1। नाउ 6 kg पर हमको एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाना है F, और क्वेश्चन ये है कि इस F की वो मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है जिससे कि 6 और 4 kg के बीच में आपस में स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाए। तो क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए, थोड़ा सा थ्री ब्लॉक के अंदर हमको क्वेश्चन के हिसाब से डील करना होता है, वो प्रैक्टिस से इम्प्रूव हो पाएगा, तो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें यहाँ पर। तो वी हैव टू फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ कैपिटल एफ फॉर विच 6 और 4 kg के बीच में आपस में स्लाइडिंग हो जाए। तो पहला स्टेप तो सेम जैसे टू ब्लॉक में होता था कि जहां भी फ्रिक्शन अवेलेबल है वहां उसकी मैक्स वैल्यू निकाल के रख लेते हैं। तो 2 kg और 6 kg के बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.1 इनटू यहां का नॉर्मल 20 मींस ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्शन कितना लग सकता है यहां पर 2 न्यूटन का। 6 और 4 के बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.3 और यहां का नॉर्मल टोटल मास 8 × g 80, इसका मतलब 24 न्यूटन मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन है यहां पर। और ग्राउंड और 4 kg के बीच में 6 और 4 10 12 kg के हिसाब से 120 × 0.1 मींस 12 न्यूटन, ठीक है। ये तो हमने जहां भी फ्रिक्शन अवेलेबल है उसकी मैक्स वैल्यू निकाल के रख ली। अब हमारा टारगेट था कि इस फोर्स की कम से कम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, जिससे कि इनके बीच में स्लाइडिंग हो जाए। तो देखो इस क्वेश्चन में दिमाग में ये आना चाहिए कि यार इस अकेले 2 kg को देखते हैं एक बार, क्या इस अकेले 2 kg पर हमने कोई फोर्स लगाया है क्या बाहर से? नहीं। इसका मतलब इस ब्लॉक को अगर कोई फोर्स एक्सेलेरेट कर सकता है तो वो है 6 kg 2 kg पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, यहाँ लगने वाला फ्रिक्शन ही इस ब्लॉक को एक्सेलेरेट कर सकता है। अच्छा, इस ब्लॉक पर ज्यादा से ज्यादा यहाँ से जो स्टैटिक फ्रिक्शन लग सकता है 6 kg के द्वारा वो कितना लग सकता है? 2 न्यूटन का। तो इस ब्लॉक पर लगने वाला मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स है 2 न्यूटन, डिवाइड बाय इस ब्लॉक का मास कर दूंगा तो इस ब्लॉक का मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलेरेशन आ जाएगा 1 m/s². अभी हमने पता करा है कि ये ब्लॉक इसके साथ साथ मूव करने के लिए ज्यादा से ज्यादा इतने एक्सेलेरेशन से साथ साथ चल सकता है। अगर एक्सेलेरेशन इससे ज्यादा प्रोड्यूस करने की कोशिश करूंगा मैं तो यहां पर स्लाइडिंग हो जाएगी। अब इस 4 kg को देखते हैं, 4 kg पर देखते हैं कि कौन सा फोर्स है जो 4 kg को एक्सेलेरेट कर सकता है। क्या कैपिटल एफ हमने 4 kg पर लगाया क्या? नहीं। तो 4 kg को एक्सेलेरेट करने वाला फोर्स है ग्राउंड का फ्रिक्शन और यहां के फ्रिक्शन का जो नेट आएगा, इन दोनों का नेट ही इस 4 kg को एक्सेलेरेट करेगा। अच्छा, इन दोनों में से कौन सा फ्रिक्शन पहले एक्टिवेट होगा उसको थोड़ा सा ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मैं इस फोर्स को सपोज 0+ न्यूटन रखता हूं, 0 से थोड़ा सा बड़ा, तो ये ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक इस फोर्स के कारण आगे मूव करने की टेंडेंसी में आएगा। फ्रिक्शन हमेशा चाहता है कि स्लाइडिंग नहीं हो, तो ये ब्लॉक इसके साथ साथ जाने के लिए 6 kg 4 kg पर फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ लगाएगा, क्योंकि 6 kg चाहता है कि 4 kg भी उसके साथ साथ मूव करे, आपस में स्लाइडिंग नहीं हो। अगर 6 kg 4 kg पर फ्रिक्शन आगे लगाएगा तो इसका मतलब ग्राउंड का फ्रिक्शन उस फ्रिक्शन को रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि ग्राउंड वाला फ्रिक्शन चाहता है कि 4 वाला ग्राउंड पर स्लाइड नहीं करे। फ्रिक्शन की टेंडेंसी यही है कि आपस में स्लाइडिंग नहीं होनी चाहिए। तो देखो, मैं देख रहा था कि 4 kg का मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलेरेशन कितना हो सकता है। मैं जितना ज्यादा फोर्स लगाऊंगा यहां से फ्रिक्शन 4 kg और 6 पर लगा रहा हूं उतना ही ज्यादा होगा। मान लो एक बार मैंने इतना फोर्स लगाया कि यहां पर बस स्लाइडिंग की टेंडेंसी आ चुकी है, इसका मतलब 6 kg पर पीछे की तरफ मैक्सिमम 24 न्यूटन का फ्रिक्शन लग रहा है। इस पर 24 पीछे लगेगा तो इस पर 24 आगे लगेगा। ये 24 न्यूटन का फ्रिक्शन 4 kg को आगे मूव कराने की कोशिश करेगा, ग्राउंड का फ्रिक्शन अपनी पूरी जान भी लगा दे 12 न्यूटन का, क्या तब भी इस 24 को बैलेंस कर सकता है क्या? नहीं। इसका मतलब इस 4 kg पर अगर यहां से मैक्सिमम फ्रिक्शन लगता है 24, तो इस 4 kg का एक्सेलेरेशन क्या होगा? मैक्सिमम
24 माइनस 12 इस पे लगने वाला नेट फोर्स डिवाइड बाय इस ब्लॉक का मास 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमने पता कर लिया कि 6 केजी ब्लॉक का कांटेक्ट 2 के साथ है तो 2 वाला ज्यादा से ज्यादा 1 के एक्सेलरेशन से चल सकता है और 4 वाला 6 के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चल सकता है। अब थोड़ा सा काम इजी हो गया, मैं इस फोर्स को बढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो पूरा सिस्टम इनिशियली कुछ कॉमन एक्सेलरेशन ए से मूव करेगा। जब तक ये सिस्टम का एक्सेलरेशन इज 1 और 3 में जो मिनिमम है 1 उससे भी कम है, जब तक सिस्टम का एक्सेलरेशन इससे भी कम होगा तब तक ना इसको कोई परेशानी है इसके साथ चलने में ना इसको कोई परेशानी इसके साथ चलने में। एक बात और, अगर मैं इस फोर्स की वैल्यू सपोज 2 न्यूटन का फोर्स लगाए से स्टार्ट करते हैं 2 न्यूटन, अगर ये 2 न्यूटन है तो क्या सिस्टम एक साथ ग्राउंड पर स्लाइड करेगा या नहीं इस पे नजर रखना। 12 न्यूटन का ही, जब मैं 2 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा तो यहां से पीछे 2 न्यूटन का फोर्स इसको रोकने की कोशिश करेगा, उसका रिएक्शन इस पे 2 न्यूटन आगे लगेगा, लेकिन उस 2 न्यूटन को या ग्राउंड से 12 न्यूटन अवेलेबल है लेकिन रिक्वायरमेंट जितनी होती है फ्रिक्शन उतना ही लगता है, तो अगर यहां से 2 न्यूटन का फोर्स आगे लगेगा तो ग्राउंड से फ्रिक्शन 2 न्यूटन लगकर उसको बैलेंस कर लेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर कैपिटल एफ की वैल्यू 0 से 12 न्यूटन के बीच में है, सारी बातें समझ लेते हैं इस क्वेश्चन में, जो जो समझ सकते हैं, इस रेंज के अंदर अंदर अगर फोर्स लगाऊंगा तो ग्राउंड का फ्रिक्शन ही बैलेंस करके रखेगा सिस्टम को, तो सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों, 0। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब अगर मैं फोर्स की वैल्यू इंक्रीज करता हूं 12 न्यूटन से भी 12 न्यूटन से, जैसे मैं इसको 12 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगाता हूं 12 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगाता हूं तो ग्राउंड का फ्रिक्शन भी अपने हाथ खड़े कर देगा और सिस्टम कुछ कॉमन एक्सेलरेशन ऐसे मूव करेगा। देखना, मैं लगा रहा हूं 12 से थोड़ा सा बड़ा फोर्स, ग्राउंड से लग रहा है काइनेटिक नेचर का फ्रिक्शन 12, तो सिस्टम पर नेट फोर्स आ रहा है 0 प्लस टाइप का, कुछ 1 न्यूटन 2 न्यूटन टाइप का मान लेते हैं। सिस्टम पर जो फोर्स आ रहा है 1-2 न्यूटन टाइप का डिवाइड बाय टोटल मास 12 केजी, सिस्टम का एक्सेलरेशन 1 से बहुत कम आ रहा है, 1 से कम होगा तो ना इसको प्रॉब्लम है इसके साथ चलने में क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा 1 के एक्सेलरेशन से साथ साथ चलने के लिए तैयार है, ना इसको कोई प्रॉब्लम है इसके साथ चलने के लिए क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा 3 के एक्सेलरेशन से चलने के लिए तैयार है। इस फोर्स को बढ़ाते जाते हैं, इसको फोर्स को बढ़ाऊंगा तो सिस्टम का कॉमन एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा, पर कब तक? फोर्स बढ़ता गया, एक काम करते हैं सिस्टम का कॉमन एक्सेलरेशन लिखते हैं एक बार, मैं तब की बात कर रहा हूं जब तक ये फोर्स इतना है कि सिस्टम का एक्सेलरेशन 1 से भी कम है, तब की बात चल रही है, तो कॉमन एक्सेलरेशन आ जाएगा सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स F माइनस 12 डिवाइड बाय टोटल मास। ठीक है, अब जितना ज्यादा फोर्स लगाऊंगा कॉमन एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा, इतना बड़ा फोर्स लगा दो जिससे कि सिस्टम मैक्सिमम कॉमन एक्सेलरेशन 1 पर पहुंच पाए, तो इसको अगर मैं एक बार 1 के बराबर कर दूं तो उससे मेरे पास F की एक वैल्यू आ जाएगी 24 न्यूटन। इसका मतलब F की वैल्यू 12 न्यूटन से लेकर 12 से ज्यादा और 24 के इक्वल या उससे कम तक सिस्टम का एक्सेलरेशन कॉमन होगा और उसको हम इस फंक्शन से बता सकते हैं, जितना भी फोर्स लगाएंगे इस रेंज के अंदर उसको पुट कर देंगे उससे हमारे पास कॉमन एक्सेलरेशन आ जाएगा। क्या फोर्स की वैल्यू इस रेंज में होने पर जो हम चाहते थे कि इनके बीच में स्लाइडिंग हो जाए वो हो गई क्या अभी तक? नहीं। अब एक काम करते हैं, इस फोर्स की वैल्यू को 24 से भी ज्यादा कर देते हैं। अब देखना, ढंग से सुनना, ये फोर्स अगर 24 न्यूटन से ज्यादा हो जाएगा तो सिस्टम पे नेट फोर्स 24 से ज्यादा माइनस 12, इसका मतलब सिस्टम पे नेट फोर्स 12 न्यूटन से ज्यादा आएगा, सिस्टम पे नेट फोर्स 12 न्यूटन से ज्यादा होगा डिवाइड बाय टोटल मास, तो सिस्टम का एक्सेलरेशन 1 से ज्यादा हो जाएगा, 1 से ज्यादा होते ही ये ब्लॉक अपने हाथ ऊपर कर लेगा कि यार भाई अब मैं इस ब्लॉक के साथ साथ मूव नहीं कर सकता क्योंकि इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन ही 1 हो सकता था। तो अब क्या करेंगे, देखना, अब बात चल रही है अगर हमारा फोर्स 24 न्यूटन से भी ज्यादा है, ये अपने हाथ ऊपर कर चुका है, इसने मना कर दिया कि यार मैं तेरे साथ साथ मूव नहीं कर सकता हूं, तो यहां स्लाइडिंग हो चुकी है। यहां स्लाइडिंग होने का मतलब ऊपर वाले ब्लॉक का अगर मैं डायग्राम बनाता हूं 2 केजी का, तो फ्रिक्शन उसको एक्सेलरेट तो करवा रहा है साथ साथ तो ले जा रहा है, लेकिन यहां स्लाइडिंग हो चुकी है मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा और यहां काइनेटिक फ्रिक्शन 2 न्यूटन अवेलेबल है, इस पे 2 न्यूटन आगे लगेगा
तो 6 kg पर पीछे लगेगा। अब मैं 6 और 4 kg का एक साथ इनको एक सिस्टम मानते हुए वीडियो बनाऊंगा, 2 न्यूटन पीछे, 6 kg पर हम लगा रहे कैपिटल एफ और ग्राउंड से लग रहा है 12 न्यूटन का काइनेटिक फ्रिक्शन। अब देखना बच्चों, ये फोर्स 24 न्यूटन से थोड़ा सा ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल सपोज ये फोर्स जो है ये कुछ 26 न्यूटन है। इस सिस्टम पर देखते हैं एक बार, मुझे यहां पर स्लाइडिंग देखनी है इसलिए मैं इस तरह स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा हूं। अगर ये 26 न्यूटन है, ले लेते हैं एक बार 26 न्यूटन, तो सिस्टम पे नेट फोर्स हो गया 26 में से 14 माइनस कर देंगे, 26 में से 14 जाएगा तो 12 बचेगा, 12 डिवाइड बाय टोटल मास 10, तो सिस्टम का कॉमन एक्सेलेरेशन, कॉमन पता नहीं अगर एक साथ मूव कर रहे हैं तो, सिस्टम का कॉमन एक्सेलेरेशन 1.2। इसके आगे की कहानी अगर मैं बताऊं तो बिल्कुल 2 ब्लॉक प्रॉब्लम की तरह है, क्योंकि अब 2 ब्लॉक हैं जिनका आपस में स्लाइडिंग की कंडीशन मुझे देखनी है, क्योंकि ऊपर वाला तो स्लाइड कर चुका है। ये कॉमन एक्सेलेरेशन 1.2, इसका मैक्सिमम एक्सेलेरेशन 3 हो सकता है इसके साथ साथ चलने के लिए, उससे तो कम ही है। इसका मतलब अभी तो ये ब्लॉक इसके साथ साथ चलता रहेगा, कब तक चलेगा? इस फोर्स को और बढ़ाते गए, इतना बढ़ा दो कि सिस्टम का, इन दोनों के सिस्टम का कॉमन एक्सेलेरेशन अपनी मैक्स वैल्यू पर पहुंच जाए 3 m/s² पर। इतना फोर्स लगा रहा हूं जिससे इन दोनों का कंबाइंड सिस्टम 3 के एक्सेलेरेशन से अभी भी साथ साथ मूव कर रहा है। एक बार ये फोर्स निकाल लेते हैं, इस सिस्टम पे नेट फोर्स F-14 डिवाइड बाय टोटल मास इक्वल्स टू एक्सेलेरेशन 3। यहां से F की वैल्यू आ जाएगी 44 न्यूटन। ये वो फोर्स है, इतना फोर्स लगाने पर भी आपस में स्लाइडिंग नहीं हुई है। अगर मैं फोर्स इससे थोड़ा सा भी ज्यादा कर दूंगा तो सिस्टम का एक्सेलेरेशन 3 से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। 3 से ज्यादा होते ही ये वाला ब्लॉक भी अपने हाथ खड़े कर देगा कि यार अब मैं तेरे साथ साथ मूव नहीं कर सकता, तो आपस में भी क्या हो जाएगी, स्लाइडिंग स्टार्ट। तो आंसर क्या देंगे हम क्वेश्चन में कि वो मिनिमम फोर्स कैपिटल एफ की मिनिमम वैल्यू, जब मिनिमम के साथ पूछा जाएगा तो आंसर तो ऐसे लिखा जाएगा कम से कम 44 न्यूटन तो फोर्स लगाना ही पड़ेगा। ये हमको भी पता है कि 44 न्यूटन पे स्लाइडिंग नहीं हुई है, लेकिन कम से कम इतना तो लगाना ही पड़ेगा हमको। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 3 ब्लॉक पर बेस्ड। एक के ऊपर एक, इस बार फिर से 3 ब्लॉक, 4 kg 4 kg 2 kg। इन 2 ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.1, इन दोनों के बीच में 0.3 और ग्राउंड के साथ 0। इस बार ग्राउंड जो है वो स्मूथ है। हमको इस बार क्या करना है, एक कैपिटल एफ फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स 20 न्यूटन का, एक एक करके तीनों ब्लॉक्स पे अप्लाई करना है। एक तरह से सवाल के 3 पार्ट्स हैं, पहले मैं 20 न्यूटन 2 केजी पे लगाऊंगा और तीनों ब्लॉक्स के एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करेंगे, फिर 20 न्यूटन मिडिल ब्लॉक पे लगाएंगे हॉरिजॉन्टल में, तीनों ब्लॉक्स के एक्सेलेरेशन निकालेंगे, फिर ऐसे ही लोअर ब्लॉक पे लगाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं कि अगर मैं 20 न्यूटन को 2 केजी ब्लॉक पे लगाता हूं तो देखते हैं, देखो इस बार कैसे डील करेंगे। जैसे सबसे नीचे वाले ब्लॉक को देखें, अगर इस वाले ब्लॉक को एक्सेलेरेट करने वाला, यहां से तो फ्रिक्शन लग ही नहीं सकता, सिर्फ यही का फ्रिक्शन है, तो पहले मैं मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन लिख के रख लेता हूँ। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 2 न्यूटन का फ्रिक्शन अवेलेबल है, यहाँ 4 और 2 = 18 न्यूटन का फ्रिक्शन अवेलेबल है और यहाँ पर 0 न्यूटन। अब मैं बोल रहा था कि इस वाले 4 kg को एक्सेलेरेट करने वाला सिर्फ यही का फ्रिक्शन है जो इसको एक्सेलेरेट कर सकता है। यहाँ से लगने वाला फ्रिक्शन ज़्यादा से ज़्यादा इस पर कितना लग सकता है, 18, इससे ज़्यादा तो अवेलेबल हो ही नहीं सकता वहाँ पर। अगर इस ब्लॉक ने इस पर मैक्सिमम फ्रिक्शन लगा भी दिया एक बार के लिए, तो इस ब्लॉक का मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलेरेशन आएगा, नेट फोर्स ऑन दिस ब्लॉक डिवाइड बाय इसका मास, 18/4 मींस 9/2 मींस 4.5 m/s². कहने का मीनिंग ये है कि ये वाला ब्लॉक अगर इसके साथ साथ मूव करता है साथ साथ, तो इसका ज्यादा से ज्यादा एक्सेलेरेशन 18 हो सकता है, अदरवाइज 18 से कम होगा, 18 से ज्यादा तो नहीं हो सकता। ठीक है, अब एक बार मैं सोचता हूं कि मान लो, मुझे नहीं पता, मैं ऐसे अज्यूम कर रहा हूं कि पूरा सिस्टम कॉमन एक्सेलेरेशन ए से मूव करता है, ऐसे मान लिया मैंने। अगर ऐसा होता है तो सिस्टम का कॉमन एक्सेलेरेशन निकालते हैं, सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स 20 यहां से और ग्राउंड से 0 मींस 20 डिवाइड बाय टोटल मास 10
इट मींस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब अगर तीनों ब्लॉक्स बिना आपस में स्लाइड करे एक साथ मूव करेंगे तो वो मैक्सिमम या वो एक्सेलेरेशन मैक्सिमम सॉरी वो एक्सेलेरेशन इस फोर्स के करस्पॉन्डिंग कितना आएगा 2। अब देखना, अगर सिस्टम एक साथ मूव करने की टेंडेंसी में है तो एक्सेलेरेशन 2 है, और ये ब्लॉक ज्यादा से ज्यादा 4.5 के एक्सेलेरेशन से चल सकता है। इसका मतलब इतने एक्सेलेरेशन से चलने में इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हर बार ये बोलेगा कि हाँ मैं तो साथ साथ चलने के लिए तैयार हूं। अब क्या ये ब्लॉक उसके साथ यहां पर स्लाइड करेगा, ये तो कंफर्म है यहां तो स्लाइडिंग नहीं होगी, ये चेक कर लिया हमने, इसको देखते हुए अब यहां स्लाइडिंग होगी या नहीं होगी उसको कैसे चेक करें। एक बार के लिए मान लेते हैं कि सिस्टम कॉमन एक्सेलेरेशन से जा रहा है, इस नीचे वाले दो ब्लॉक्स जो हैं उनका जो सिस्टम है, एक बार इन दोनों ब्लॉक्स के सिस्टम का एफबीडी बनाते हैं। एक बार इस पूरे सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स यहां से तो लग नहीं सकता, यहां का फ्रिक्शन इंटरनल है, सिर्फ यहीं का फ्रिक्शन है यहां से लगने वाला, यहां ज्यादा से ज्यादा 2 न्यूटन का फोर्स लग सकता है मैक्सिमम, इससे ज्यादा अवेलेबल नहीं हो सकता। तो अगर ये दोनों मान लो सिस्टम के साथ साथ जा रहे हैं इस एक्सेलेरेशन से, एक बार की तो यहां पर जो फ्रिक्शन होगा वो स्टैटिक नेचर का होगा जिसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 न्यूटन है। कितना रिक्वायर्ड है साथ साथ चलने के लिए वो चेक कर रहा हूं मैं, इस सिस्टम पर नेट फोर्स इक्वल्स टू सिस्टम का टोटल मास इनटू वो कॉमन एक्सेलेरेशन 16 न्यूटन के स्टैटिक फ्रिक्शन की यहां रिक्वायरमेंट है, तब जाकर इस 4 इस वाले 4 और इस 2 केजी के बीच में स्लाइडिंग नहीं होगी, और यहां तो स्लाइडिंग होनी नहीं है ये हमने चेक कर लिया स्टार्टिंग में। क्या इतना फ्रिक्शन अवेलेबल है क्या यहां पर? नहीं, वहां तो मैक्सिमम ही 2 न्यूटन है। इसका मतलब ये वाला ब्लॉक ये वाला उस 2 केजी के साथ साथ मूव नहीं कर पाएगा। तो यहां से तो क्लियर होता है, ये बात तो कंफर्म हो गई कि इनके बीच में तो स्लाइडिंग होना कंफर्म है। तो एक काम कर लेते हैं, फिर ऊपर वाले 2 केजी जब स्लाइडिंग हो ही चुकी है तो उसका अलग से एफबीडी बना लेते हैं। 20 न्यूटन हमने लगाया, स्लाइडिंग होना कंफर्म है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा यहां पर 2 न्यूटन का, और इसका एक्सेलेरेशन तो मेरे पास आ गया, एक्सेलेरेशन A1 बोल देता हूं, नेट फोर्स 18/2 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बात आती है नीचे वाले दो ब्लॉक्स पर, उनको अलग से वापस देखना पड़ेगा। 4 केजी इस पे 2 न्यूटन पीछे लगाए तो उसका रिएक्शन इस पे 2 न्यूटन आगे लगेगा। अब इस 2 न्यूटन के कारण एक बार से वापस से मान लेते हैं कि इस बार ये सिस्टम, ये तरीका है यहां पर, ये सिस्टम एक साथ मूव करता है कॉमन एक्सेलेरेशन बी से आपस में बिना स्लाइड करे। इस सिस्टम का कॉमन एक्सेलेरेशन निकालते हैं, बी यहीं लिख लेते हैं, सिस्टम पे नेट फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास मींस 1/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये ब्लॉक अगर इसके साथ साथ मूव करेगा तो कॉमन एक्सेलेरेशन कितना है 1/4, और हमको पता है कि ये ब्लॉक ज्यादा से ज्यादा 4.5 के एक्सेलेरेशन से इसके साथ साथ चलने के लिए तैयार है। इसका मतलब ये दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करेंगे, तो इन दोनों का ही एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन A2, एक्सेलेरेशन A3, इसके एक्सेलेरेशन को A2 से डिनोट कर रहा हूं, इसको A3 से, इक्वल्स टू 1/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर वो फोर्स टॉप मोस्ट ब्लॉक पर लगाया था तो एक्सेलेरेशन ऊपर वाले ब्लॉक का 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और नीचे वाले दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे जबकि ऊपर वाला स्लाइड कर चुका है इनके साथ, इन दोनों का कॉमन एक्सेलेरेशन कितना होगा 1/4। अब एक काम करते हैं, यही फोर्स मिडिल ब्लॉक पे लगाते हैं और फिर से चेक करते हैं कि इस बार हर एक ब्लॉक का एक्सेलेरेशन क्या होगा। स्टार्टिंग बिल्कुल वैसे ही, इस वाले ब्लॉक को देखते हैं एक बार, ये ज्यादा से ज्यादा यहां का फ्रिक्शन 18 के कारण इतने एक्सेलेरेशन से इसके साथ साथ चलने के लिए तैयार है। अच्छा, इस बार इसको भी एक्सेलेरेट करने वाला सिर्फ यही का फ्रिक्शन है और तो कोई है ही नहीं। यहां का फ्रिक्शन मैक्सिमम 2 न्यूटन है, मतलब इस ब्लॉक पर ज्यादा से ज्यादा 2 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स लग सकता है। तो इस वाले ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलेरेशन हो सकता है नेट फोर्स डिवाइड बाय मास 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखना, इसका मैक्सिमम एक्सेलेरेशन 4.5 इसके साथ साथ चलने के लिए, उसका मैक्सिमम एक्सेलेरेशन 1 इसके साथ साथ चलने के लिए, इस फोर्स के करस्पॉन्डिंग एक बार के लिए मान लेते हैं कि सिस्टम कॉमन एक्सेलेरेशन ए से चलता है। मान लिया ऐसे सिस्टम पर, ये मान के चल रहा हूं कि कहीं कोई स्लाइडिंग नहीं हो रही है, नेट एक्सटर्नल फोर्स 20 डिवाइड बाय टोटल मास, तो कॉमन एक्सेलेरेशन जो आएगा अगर कॉमन एक साथ मूव करते हैं तो ये तीनों के तीनों कितना आएगा 2। वो 2 एक्सेलेरेशन इस 1 से तो ज्यादा रहा है पर इससे तो कम है, इसका मतलब उतने एक्सेलेरेशन से चलने के लिए ये तो तैयार है। इसने तो बोल दिया कि यार मैं तेरा साथ दूंगा, मैं चलूंगा साथ में, लेकिन वो मना कर देगा,
उसका एक्सेलेरेशन ज्यादा ज्यादा कितना हो सकता है 1, जबकि हम चलाना चाहते हैं कितने से 2 से। तो ये क्लियर हो चुका है कि वापस सेम के बीच में क्या हो चुकी है स्लाइडिंग। तो ऊपर वाले ब्लॉक 2 केजी का एफबीडी बनाते हैं, उस पर फ्रिक्शन ही है काइनेटिक नेचर का जो उसको आगे ले जाने की कोशिश कर रहा होगा, 2 न्यूटन का काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इसका एक्सेलेरेशन जो आएगा A1 वो आ जाएगा नेट फोर्स बाय मास, मतलब कि जितना उसका मैक्सिमम हो सकता था। जो नीचे वाले 2 ब्लॉक्स हैं उनको फिर से अलग अलग देखते हैं, अलग अलग मतलब उससे अलग, जरूरत पड़ेगी तो इनको भी अलग अलग देखना पड़ेगा। अब मुझे नहीं पता कि आपस में स्लाइडिंग होगी या नहीं होगी, फिर से इन दोनों को एक सिस्टम मानते हुए इस सिस्टम का एफबीडी बनाते हैं। हम लगा रहे हैं इस पर 20, ये वाला 20, इस पर 2 न्यूटन आगे लगाए तो उसका रिएक्शन इस पर 2 न्यूटन पीछे लगेगा। इस सिस्टम का नेट एक्सेलेरेशन अगर कॉमन एक्सेलेरेशन बी मान लेता हूं तो कितना आएगा, नेट फोर्स 18 डिवाइड बाय 8, इट मींस 9/4, इसका मतलब 2 point something मीटर पर सेकेंड। इस पर 2 से ज्यादा है 3 से कम एक्सेलेरेशन। ये ब्लॉक इसके साथ साथ 4.5 के एक्सेलेरेशन से चलने के लिए तैयार था, जबकि इन दोनों को यहां पर चलना पड़ रहा है 9/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। इसका मतलब ये वैल्यू इससे तो कम है, तो ये क्लियरली इसके साथ साथ चलने के लिए तैयार हो जाएगा और इन दोनों का कॉमन एक्सेलेरेशन इतना होगा। तो यहां पर A2 इक्वल्स टू A3 इक्वल्स टू 9/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सेम है, सिंपल तरीका है एकदम। तीसरा और लास्ट पार्ट इसके अंदर, अगर इस बार मैं बॉटम मोस्ट ब्लॉक पर कैपिटल एफ 20 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं, इस बार देखते हैं बच्चों, इस बार कहानी थोड़ी सी चेंज होगी। इस पे 20 का फोर्स लगाना है और मुझे चेक करना है कि किसका एक्सेलेरेशन कितना होगा। तो पहले स्टेप तो ये कि एक बार के लिए मान लेते हैं कि सिस्टम कॉमन एक्सेलेरेशन ए से मूव करता है, ऐसे माना है मैंने, मुझे पता नहीं है। तो नेट फोर्स बाय मास ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन क्या 2 एक्सेलेरेशन से ये चल सकता है क्या? नहीं, इस पर ज्यादा से ज्यादा फोर्स लग सकता था यहां से 2 न्यूटन का, मतलब इसका मैक्स एक्सेलेरेशन 1 हो सकता है, जबकि अगर कॉमन चलाना चाहता हूं तो 2 से चलना पड़ेगा। तो ये तो कंफर्म है कि तीनों के तीनों एक साथ तो नहीं चलेंगे, ये तो 100% कंफर्म है। अब यहां स्लाइडिंग होगी या नहीं होगी उसके लिए काम करते हैं। एक बार के लिए मान लेते हैं कि ये दोनों, एक बार के लिए माना है मैंने कि ये जो दोनों ब्लॉक्स हैं, ये पूरा एक 6 kg का ब्लॉक मान लो, मान लेते हैं, बाद में चेक करते रहेंगे। ये 6 kg का ब्लॉक जो है अगर आपस में स्लाइड नहीं करे एक बार के लिए, तो यहां से जो फ्रिक्शन लगेगा वो ही इस पूरे सिस्टम को एक्सेलेरेट कर सकता है। यहां से लगने वाला फ्रिक्शन मैक्सिमम है 18, इस पूरे सिस्टम का मास है 6, मतलब इस पूरे का एक्सेलेरेशन इसके साथ साथ चलने के लिए कितना हो सकता है, 3। 3 के एक्सेलेरेशन से ये पूरा सिस्टम चलने के लिए तैयार है, लेकिन वो अकेला मैक्सिमम 1 से चल सकता था, अभी भी समझाया था मैंने। इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता कि ये दोनों के दोनों एक साथ रहते हुए और यहां का फ्रिक्शन जो है उसको एक्सेलेरेट करके साथ ले जाता है, क्योंकि यहां का फ्रिक्शन अगर मैक्सिमम लग जाएगा तो एक्सेलेरेशन 3 आ जाएगा, वो मैक्सिमम 1 से चल सकता है। यहां का फ्रिक्शन अगर मैक्सिमम से कम लगेगा, जो कि मैंने बताया था पूरे सिस्टम का कॉमन एक्सेलेरेशन 2 आया था, उस वाले केस की बात कर रहा हूं, तब भी वो मना करेगा, तो ये कंफर्म हो गया इस केस में भी कि ऊपर वाला जो ब्लॉक है वो तो स्लाइड कर जाएगा। उसका एफबीडी बनाते हैं, उस पर फ्रिक्शन लग रहा है 2 न्यूटन का काइनेटिक नेचर का, तो उसका एक्सेलेरेशन A1 तो आ गया नेट फोर्स बाय मास 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब 4 और 4 जो बचे नीचे वाले, उनका मुझे अभी तक आइडिया नहीं कि आपस में स्लाइडिंग हुई है या नहीं हुई, चेक कर लेंगे। इसी 2 न्यूटन का रिएक्शन मैंने बनाया है, मुझे नहीं पता आपस में स्लाइडिंग होगी नहीं होगी, मैं तो मान रहा हूं कि सिस्टम का कॉमन एक्सेलेरेशन है बी। इस सिस्टम पर नेट फोर्स ये मानते हुए कि आपस में स्लाइडिंग नहीं हुई है, नेट फोर्स है 18 डिवाइड बाय मास, 9/4 का कॉमन एक्सेलेरेशन है अगर दोनों साथ साथ चलते हैं। अब यहां कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा वो निकालते हैं एक बार। सपोज मैं ऊपर वाले ब्लॉक का एफबीडी बनाता हूं अलग से, इस वाले ब्लॉक, इस ब्लॉक पर मुझे नहीं पता कितना फ्रिक्शन मैंने मान लिया Fs, यहां से लग रहा है काइनेटिक नेचर का 2 न्यूटन और तो कोई फोर्स है ही नहीं इस पर। इसका एक्सेलेरेशन वही है जो सिस्टम का था बी एक्सेलेरेशन। इस पर न्यूटन्स लॉ लिखते हैं, उधर की तरफ नेट फोर्स Fs-2 इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन है 9/4, यहां से Fs मेरे पास आ रहा है 11 न्यूटन, मतलब इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में 11 न्यूटन फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है और अवेलेबल था 18। क्या इतना फ्रिक्शन मिल जाएगा क्या? हाँ मिलेगा आराम से, 18 लग सकता है, पर रिक्वायरमेंट तो उससे भी कम की है तो आराम से मिलेगा इतना फ्रिक्शन।
तो इस बार भी जवाब क्या होगा कि ऊपर वाला ब्लॉक जो है वो स्लाइड कर जाएगा, उसका एक्सेलेरेशन होगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और नीचे वाले दोनों ब्लॉक कॉमन एक्सेलेरेशन 9/4 से एक साथ मूव करेंगे। तो इस तरह से हम 3 ब्लॉक प्रॉब्लम्स को डील कर सकते हैं। मैं फिर कहूंगा जितनी प्रैक्टिस करेंगे इसमें उतना ही इम्प्रूव होगा। और एक बात और, ये IIT एडवांस के सिलेबस में नहीं है, ओलंपियाड लेवल पर कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो इसको समझाने की कोशिश करते हैं बच्चों को। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।